फरहाद, शीरी, फरहाद तुम अंदर हो? लगता है दोनों यहाँ पर नहीं है, कहीं वो गैंगस्टर? वो यहाँ कैसे आएंगे? गाड़ी से आए होंगे। अरे मैडम, उन्हें पता कैसे चलेगा कि हम लोग यहाँ हैं? ये मुझे क्या पता? खैर क्या करें हम? मेरे ख्याल से हम यहाँ से चलना चाहिए, मुझे ये जगह सेफ नहीं लग रही। अब तो मुझे भी नहीं लग रही है। गन तो नहीं है इनके पास। तुम पपलू डपलू से कुछ होने वाला नहीं। खालाओं फूफियों के कपड़े पहन के मॉडलिंग करने से कोई गैंगस्टर नहीं बन जाता। दो छोकरे तुमसे संभल नहीं रहे और मैं इन चार मोतियों को संभालता हूं। अब क्या गन निकाल के मुंह में डालूंगा तब चलोगे? बस, यस, बस, चलो। बॉस, चारों को कस के बांध दिया है रस्सी से। बॉस मैं तो कह रहा हूँ अब लड़की के बाप को फोन करके पैसे थोड़े ज्यादा मांगने, क्योंकि चार लोगों की वजह से खतरा और खर्चा दोनों बहुत बढ़ चुके हैं। बॉस फोन करें ना। नहीं ना, पहले खर्चों का हिसाब ना करूँ मैं? इतना खर्चा हो गया है तुम लोगों की वजह से। निकम्मों की टोली, गाड़ी का पेट्रोल, गाड़ी यहाँ जा रही है कभी वहाँ जा रही है, चार चार बंजे उठा के ले आए, साथ में वो मकरानी उठा लाए हो जो बोले चला जा रहा है, खाए चला जा रहा है, और वो गाड़ी भी चोरी करवा दी तुमने निकम्मे। लेकिन बॉस उसकी जगह दूसरी गाड़ी आ गई ना। और साथ में पुलिस भी, उस गाड़ी के पीछे पुलिस लगी हुई है। मैं तो इसी शशोपंच में हूँ कि 70 तो हमारा जेब से खर्च हो गया है, उनसे कितने पैसे मांगूं? बॉस 80 मांग ले। नहीं बॉस, हम मांग ही रहे तो राउंड फिगर कर लेते। एक करोड़। एक करोड़, क्या बात है बॉस, इससे तो हम इस जगह का 6 महीने का एडवांस किराया भी दे सकते हैं। और बॉस मुझे भी थोड़ा बहुत एडवांस चाहिए, मैं सोच रहा हूँ रबड़ी से लस्सी हो ही जाऊँ। वो तो मैं तुम्हें वैसे भी फेंटू तो तुम हो जाओगे। 100 दफा कहा है कि एडवांस मांग के मेरा मूड मत खराब किया करो। सॉरी बॉस। पिछली दफा जो एडवांस किया था वापस किया तुमने? एडवांस चाहिए मुझे, ये 1 करोड़ का हिंसा बहुत ज्यादा बड़ा लग रहा है। सोचता हूँ 90 लाख रुपए मांग लूं, इससे बात 1 करोड़ के आसपास भी रहेगी और लाखों में भी रहेगी। बात तो ठीक कह रहे हैं आप, है ना? हाँ तो बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। ठीक है फिर एक काम करो। बस ये जो बाकी के 4 उठाएं, इनके घर वालों को न्योता भेज देते हैं, 4-4 लाख रुपए तो मिल ही जाएंगे। अजीब बातें कर रहा है, न्योता भेज देता है, जिसको दिल करे न्योता भेज दो, गाँव का नहीं है क्या? वैसी चक्कर देखोगी, अजीब गरीब फकीर घूम रहे हैं वो तो जॉब ढूंढ रहे हैं, और बात मुझे बद्दुआ नहीं लेनी गरीबों की। बात तो ठीक है बॉस, बद्दुआ नहीं लेनी चाहिए। तो फिर बॉस अगर लड़की के बाप से पैसे ज्यादा आ जाएंगे तो हम इन बेचारों की मदद कर देंगे, गरीब है बेचारे। रबड़ी रबड़ी रबड़ी, ऐसे ही मैं तुम्हें रबड़ी नहीं कहता, मीठे गैंगस्टर हो तुम, गैंगस्टर की तरह सोचो। हमने कुछ धर्मशाला नहीं खोल रखी कि ज्यादा पैसे आ गए तो उसको दे देंगे, उसको दे देंगे।
ये बात तो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं आप। ठीक कही ना मैंने? जी बस। तो अपना राउंड फेस देकर यहाँ से चली क्यों नहीं जाती? तुम्हें कहा था मेरे लिए, तुम पेस्ट लेकर आओ। बस बस, अब ये जा ही रहा है तो खाना भी लगे हाथ मंगवा लीजिए। एक नल्ली निहारी और चिकन कढ़ाई, बहुत दिन से गोश्त नहीं खाया। बस बात तो तुम्हारी ठीक है, एक काम करो। हाँ। तुम अपने अब्बा की गाड़ी निकाल कर जाओ और ये खाना ले आओ, क्योंकि मेरे पास तो पैसे नहीं है। बस मेरे पास गाड़ी का दफा हो जाओ, फिर क्या बनाओ? जाके नूडल्स बनाओ। सिर्फ नूडल? चाइनीज नूडल्स। चाइनीज नूडल्स बना दो। एक काम करना जी बस, वहाँ कोने पे क्रेन वाला खड़ा होगा, उसे बोलना क्रेन भेजे, हमने पिछली ईद की ओजड़ियाँ उठवानी है। जा रहा हूँ बस, जा रहा हूँ। बेइज्जती तो ना करें मुंह पे वो भी। थैंक यू। अच्छा तो ये सब किया धरा आपके मंगेतर का है? हाँ। मुझे तो पहले ही शक था, बल्कि मुझे पूरा यकीन था। I was damn confident and I was sure about it, bro. ओ भाई, इन सब बातों का एक ही मतलब है। हाँ, पर लेकिन हमें पहले यहाँ से निकलना है। हाँ हाँ, मैंने टैक्सी मंगवाई है, 5 मिनट में आ रही है, वही आगे हमारे हाथ भी खोल देंगे। यहाँ से जल्दी से निकलने की करते हैं, मुझे डैड की फिक्र हो रही है, कहीं वो उन्हें डबल क्रॉस ना करे। हाँ लेकिन अब तक तो उन लोगों ने उसे सब कुछ बता दिया होगा ना, कि तुम्हें सब पता चल चुका है। हाँ, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि गफ्फार का अगला कदम कौन सा होगा। अब बिल्कुल भी वक्त ज़ाया नहीं करो, 2 मिनट में बुड्ढे को फोन करो और रकम 1 करोड़ कर दो। दो बातें हैं, एक तमीज से बात करो, मैं कुछ तुम्हारे मोहल्ले का छोटा सा गैंगस्टर नहीं हूँ, गफ्फार नाम है मेरा। आई एम एक्सपर्ट इन एक्सटॉर्शन, मर्डर, वेमेन सप्लाई एंड ह्यूमन ऑर्गन्स। नीज हमारे यहाँ ड्रग्स का काम भी तसल्ली बख्श किया जाता है, समझे? दूसरी बात, तुमने मेरी मुँह की बात छीन ली, मैं तो पहले ही चाहता था कि 1 करोड़ ही मांगे जाए, मगर मैंने सोचा जब तुम्हें ही 50 लाख चाहिए तो मुझे क्या, मैं भी फ़ोन करता हूँ और उससे 50 लाख से 1 करोड़ की डील बनाता हूँ। आई होप वो मान जाएगा। बाय द वे, हम दोनों एक जैसे ब्लैक कपड़ों में पता है कौन लग रहे हैं? 21 ईयर्स के वो लड़के जो अक्सर मॉल में एक्टिवेशन करते हैं। मैं फ़ोन करके आता हूँ। मुझे लगता है कि वो तुम्हारे डैड से पैसे लेके ना उनका गेम कर जाएगा। नहीं नहीं, ऐसा कभी भी नहीं करेगा, बहुत डरपोक है वो। बहुत अच्छी चॉइस है आपकी, हाथ खुले होते ना तो मैं तालियां बजाता। उसके लिए असल खतरा मैं, वो उन लोगों से कहेगा कि सबसे पहले मुझे खत्म करें। हाँ, इस तरह से उसका राज भी फाश नहीं होगा और वो तुम्हारे डैड के सामने भी अच्छा का अच्छा ही रहेगा। वो बात तो ठीक है, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि इन लोगों ने तुम दोनों को एक साथ बांध दिया। हाँ। और हम दोनों को इतना दूर क्यों बांध? क्योंकि भाई हमने उन्हें पहले ही बता दिया था कि हम दोनों ना कपल हैं, तुम दोनों का भी कंफर्म नहीं है ना, तो इस वजह से। सर एक फोन कॉल का इंतजार कर रहे हैं, आने आगे आगे। हेलो, क्या सेम नंबर सेम फोन यही लोकेशन है? खबर तो पक्की है ना? थैंक यू, ये बहुत वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन है मेरे लिए, बहुत शुक्रिया। सर अगर आज मैं सादा कपड़ों में होता तो ये केस मैं अकेला सॉल्व कर लेता और सारा क्रेडिट खुद ले लेता, लेकिन अब मुझे आपकी जरूरत लगेगी। मेरी जरूरत? जी हाँ सर, केस हमने सॉल्व कर लिया है, मुझे हमारी आंखों के सामने वहां पर ले यहाँ। जी हाँ सर, इन्फॉर्मेशन मिली है कि जिस फोन से किडनैपर ने आखिरी कॉल की थी वो फोन इस दुकान के अंदर मौजूद है और अब हमें फोन चुराना है। मैं तो यूनिफॉर्म में चुरा नहीं सकता, आपको चोरी करनी पड़ेगी। क्या मतलब है तुम्हें मुझे चोरी करनी पड़ेगी? हम पुलिस वाले हैं,
अरे सर, ये तो मुझे और सितारा को पता है, पब्लिक को थोड़ी पता कि आप पुलिस वाले। हाँ, तो हम तो फिर छीन भी सकते हैं ना इनसे। अरे सितारा, तुम समझाओ, मेरी तो बात समझते ही नहीं है। सर, ये इलाका मुजरिमों से भरा हुआ है, अगर हमने यहाँ पुलिसगिरी दिखाने की कोशिश की ना तो बवाल मच जाएगा। ओके, तो कोशिश करता हूँ मैं। ठीक है, एक बात का ख्याल रखिएगा, आईफोन 15 प्रो मैक्स 512 मेमोरी है और गोल्डन कलर का हो तो रीसेल बहुत अच्छी हो जाती है। क्या मतलब है गोल्डन कलर? सर, हो सकता है कि किडनैपर्स ने केसिंग चेंज कर दी हो, इसलिए हमें चार्ज लेना चाहिए। ठीक है, महंगे से महंगा फोन खाइए। जी हाँ, बेस्ट ऑफ लक। ओके, जा रही थी, उन्होंने बोला कि मैं तुम्हें फोटो वोटो भेजूंगी। हाँ भाई, चलो ठीक। सर यार, वो मोबाइल फोन दिखाओगे? मोबाइल फोन बिल्कुल सर। ये देखें सर, कोई जरा महंगा फोन। महंगा फोन में सर, महंगे फोन है मेरे पास। एक तो ये देखें सर, ये चेक करें, अच्छी क्वालिटी का है। ये कौन सा है? सर ये है आप तो का है, और इसके कैमरा भी अच्छे हैं, स्पेसिफिकेशन भी अच्छी है सर। एक को आईफोन आता है। आईफोन सर? यस, आईफोन भी हमारे पास। ये देखें सर, iPhone 15 Pro Max 512 GB ब्लैक कलर में। वेरी नाइस, वेरी नाइस, स्मार्ट है ये तो। ये वाला कौन सा है? अरे सर, ऐसे मोबाइल ही देखते रहेंगे, कुछ लेंगे भी। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं ऐसे ही, वो सर कलर अच्छा लग रहा है, जरा दिखाओगे? ओके ओके। ये क्या कर रहे हो? बेशरम इंसान, चोरी कर रहे हो? मैं देख रहा हूँ, कोई चोरी नहीं कर रहा। अच्छा, क्या बड़ा देख लिया मैंने? देखो मैं ये चोरी नहीं कर रहा। अपनी हरकत देखो, अपनी उम्र देखो, अपनी हरकत देखो। ये क्या कह रहे हो तुम? मैं देख रहा हूँ सिर्फ फोन। इतने बड़े उम्र के इतनी छोटी हरकत? मैं चोरी नहीं कर रहा, अभी तुम्हें बताता हूँ। मैं भाई इधर आओ, ना भाई इधर आओ, चोरी कर रहे हो। चोर चोर, पकड़ो पकड़ो, जल्दी आओ जल्दी आओ, जल्दी पुलिस को बुलाओ, पुलिस को बुलाओ। जमीर लड़की को तुम पर शक हो गया है। ये तो होना ही था, तुम लोगों ने सारा गेम जो बिगाड़ दिया। गेम वेम हम नहीं खेलते, हमारे पास इतना वक्त ही नहीं होता। हाँ, बच्चों से थोड़ी मिस्टेक जरूर हुई है, मगर उसके लिए मैं कह चुका हूं सॉरी। अगर अब दोबारा तुमने इस टॉपिक को छेड़ा तो मैं तुम्हें परमानेंटली ब्लॉक करके फोन ऑफ कर दूंगा। उसके बाद तुम लड़की और गफ्फार को ढूंढते रहना। ओके, रिलैक्स, आई एम सॉरी। ये लड़की तुम्हारे लिए मसला खड़ा कर सकती है। मेरी बात करो उससे। आई एम नॉट योर असिस्टेंट, यानी कॉल मी बैक। क्या बकवास है? हेलो। हाँ, बैलेंस थोड़ा लो था, वेट करो, तुम्हारी बात करवाता हूँ। जल्दी करो, कोई आ जाएगा। ना ना, मेरे को कैंची नहीं है, जल्दी करो। ओए ओए ओए, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। अभी भागने की कोशिश तो नहीं हो रही? नहीं नहीं नहीं, गिर गया। जरा सीधा कर देना, हेल्प करना है। सीधा कर देंगे। आस्लिप हो गया। कोशिश भी मत करना, क्योंकि 400 मीटर की दूरी से भी मेरा निशाना खोपड़ी मिस नहीं करता। इतने वीराने में कहाँ भागेंगे अब हम? गुड पॉइंट। किसको भूख लगी है? खाना ला रहा हूँ, मगर एक वक्त में एक के हाथ खोलूंगा। क्यों? मेरा खोल दो, मुझे बहुत भूख लग रही है। तुम्हारे लिए लेके आता हूँ। वो उसके लिए भी तो एक वक्त में एक का खाना। मेन्यू है क्या है? चाइनीज। आई लाइक चाइनीज। हाँ तो भी ले। ओह नो, यू लव चाइनीज। अच्छा अच्छा, एक काम करो, सीधे होके बैठो, सबसे पहले तुम्हारे लिए लेके आता हूँ, थोड़ा फासले रखो। बैड मैनर्स, गर्ल्स एंड बॉयज स्टे टुगेदर। हम तो कपल्स हैं ना। अरे इसको मतलब नहीं पता होगा ना इसका। एक्सक्यूज मी, बात करें, आपकी कॉल है।
हेलो बेबी। कमीने, तुम्हें क्या लगता है सब कुछ करके मुझसे बच जाओगे तुम? ऑफ कोर्स। समीर क्यों कर रहे हो ये? जाहिर है पैसे के लिए। यार तो तुम मुझसे मांगते हैं तो मैं मना कर दी थी क्या? और वैसे भी शादी के बाद सब कुछ तुम्हारा ही है। शादी और तुमसे, ताकि मैं गले में कुत्तों की तरह पट्टा डाल के तुम्हारे आगे पीछे दुम हिलाता रहूं और तुम्हारा बाप नौकर समझता है मुझे। ये सब बताने के लिए फोन किया है? नहीं। कीड़े पड़ेंगे तुम्हें। क्या गंदी गंदी कीड़े मकोड़ों की बातें कर रही हो? What the hell? इतनी लंबी बात करती हो, टू द पॉइंट बात करो। इसीलिए अनॉय हो गया है तुमसे। अच्छा ये बताओ, तुमने उसमें ऐसा क्या देखा? प्यार में कोई कुछ देखता है क्या? अंधा होता है प्यार। ओके। अच्छा एक सवाल का जवाब दो। क्या है? जस्ट अ हाइपोथेटिकल क्वेश्चन। अगर तुम्हें मुझ में और उसमें किसी एक को चुनना पड़े लुक्स की बेस पर, तो किसको चुनोगी? टफ क्वेश्चन। कैन यू प्लीज गेट अ लाइफ? आई विल वन डे इंशाल्लाह, बट थैंक्स फॉर चूजिंग मी। व्हाट? बाय। थैंक्स फॉर चूजिंग मी। नूडल्स बना रहे हो? नहीं बॉस, चाइनीज नूडल्स। सोया सॉस डाल रहे हो? नहीं बॉस। व्हाइट विनेगर? नो बॉस। ऑयस्टर सॉस? नहीं बॉस। अजीनोमोटो? एब्सोल्युटली नॉट बॉस। वेस्टर सॉस डाल रहे हो? नहीं बॉस। तो नूडल्स क्यों बना रहे हो? आटा गूंद के उनके मुंह में डाल दो। सॉरी बॉस। नमक तक का बजट है नहीं, अमेरिकन सॉस डलवाने हैं नूडल में, जिस सॉस का नाम नहीं निकलना मुंह से। कितना सॉस पूरी इसमें कहां से डालूं? या खुदा मुझे यहां से निकालने वाले। नूडल बना रहा हूं बैठ के। सुनो, वेस्टचेस्टर सॉस जरूर डालना। अबे जल्दी जल्दी खोल यार, क्या कर रहा है तू? मुझे लगता है ये प्लान काम नहीं कर रहा। वैसे भी उसके तान दुख रहे हैं ना। हाँ है ना। थैंक यू। अब आई थिंक इट्स टाइम टू प्लान बी। आर यू रेडी श्री? आई एम रेडी। हाँ, ये रहा आप लोगों का गर्मा गर्म चाइनीज नूडल्स। पूरे 27 मिनट में तैयार हुए हैं। ये जो ऐड में बताते हैं 2 मिनट में तैयार हो जाते हैं, ये झूठ बोलते हैं। इनकी बातों में कभी नहीं आना वरना कच्चे कच्चे खाओगे। ठीक है, जल्दी से मेरे हाथ। वादे के मुताबिक तुम्हारे हाथ खोल रहा हूँ ताकि आप आराम से खाना खा सकें। मजे से गर्मा गर्म खाना खाएं। मुझे हाथ धोने जाना है। अरे हाथ धोने की क्या जरूरत है भाई, कांटे साथ लाया हूँ। लेकिन वो मुझे वॉशरूम भी जाना है ना। वॉशरूम भी जाना है? ओके, बट होशियारी नहीं। पता है इस वॉशरूम की खिड़की बहुत छोटी है, यहां से भागने की कोशिश करोगी तो फंस जाओगी। सामने चटियल मैदान है और उस मैदान में मोटे मोटे गीदड़ हैं जिनके लंबे लंबे दांत हैं, वो काटेंगे। चलो खड़े हो जा, जल्दी चलो। अरे कैसा गैंगस्टर है ये? गैंगस्टर कम वेटर ज्यादा लग रहा है। और वो भी उस वाले होटल का जहाँ पे तनख्वाह नहीं होती, टिप होती है। चलो
बेबी बेबी स्टेप्स लेके चलना है आपने, हैं? ऐसे मुझे भी बाथरूम जाना है। क्यों क्यों मुझे जाना है? नॉट अलाउड, एक वक्त में सिर्फ एक लड़की जाएगी। ठीक है तो मैं जाऊंगी क्योंकि मुझे खाना खाना है। मुझे जाना है लेकिन मुझे तो खाना खाना है ना। लेकिन मुझे जाना है। लेकिन मुझे बहुत भूख लगी है। बस चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। एकदम बोलना शुरू कर देते दोनों के दोनों। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80-90 पूरे 100-100 में लगा धागा, चोर निकल के भागा। आ जाओ शेरिल, कैसे मर्द है आजकल के, दो लड़कियों के हाथ खोलने से डरते हैं, गाने पास फिर भी डर है। बस ठीक है, ठीक है, डरता वरता नहीं हूं मैं। तुम्हारे हाथ खोल रहा हूं मगर किसी किस्म की कोई भी होशियारी नहीं होगी। तुम लोगों ने होशियारी की तो कफार सेठ मेरा कीमा बना देंगे। अब देखो आराम आराम से चलना है। खड़े हो जाओ। ये तो खोले। ओह सॉरी, कहां कहां से बांध दिया। चलो खड़े हो जाओ। थैंक यू। चलो बेबी स्टेप, आराम आराम से। जल्दी जल्दी नूडल्स खाओ, दो ही प्याले हैं। तुम लोग खाओगे तो फिर इनके लिए खाना लाऊंगा। ये लो, ये तुम्हारा। जल्दी जल्दी खोलो, खोलो जल्दी खोलो। क्या नहीं, इतनी जल्दी बैलेंस खत्म हो गया? कल ही तो डलवाया था, फिर 20 रुपए का लोन लेना पड़ेगा। उफ, कितनी इंपॉर्टेंट कॉल है ये। हेलो, हाँ जमीर बोलो। क्या मैं उसका कत्ल कैसे कर सकता हूं? हेलो, इसने मेरा फोन काटा। हेलो, हाँ जमीर शट अप, आइंदा मुझे कॉल मत करना। कोई मेरा फोन नहीं काटता, मैं किसी का भी फोन काट सकता। सर की कॉल है। जी सर, कहाँ है हम? काफी देर से आपको ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। तुम बकवास मत करो, तुम मुझे छोड़ के चले गए वहाँ पे मजमे के अंदर। अरे सर, हम तो वहीं आसपास ही हैं, आप कहाँ गायब हो गए? मजमे के अंदर 2-3 दफा आपकी टांग मेरे हाथ में आई थी, लेकिन आप इतने लोशन लगाते हैं टांग हाथ से निकल गई जैसे मछली पानी में से निकल जाती। बकवास मत करो, मुझे साफ सुनाई दे रहा था तुम्हारी आवाज वहां पे चोर चोर की। अरे नहीं सर, मैं तो गाना गा रहा था, ये चोर मचाए शोर, आपको क्या लगा? ओह शट अप,
अरे नहीं सर, मैं तो आपकी इज्जत बचाने की कोशिश कर रहा था। अगर वहाँ पे लोगों को पता चल जाता कि आप पुलिस वाले होकर चोरी कर रहे हैं, क्या इज्जत रह जाती? और आपकी इज्जत छोड़े सर, डिपार्टमेंट की क्या इज्जत रह जाती? हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ जाती, आईजी साहब को इस्तीफा देना पड़ जाता, पूरा पुलिस डिपार्टमेंट तहस नहस हो जाता। सर मुझे ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखना पड़ता है, सिर्फ आपको लेके नहीं चलना पड़ता, पूरे डिपार्टमेंट को लेके चलना पड़ता है सर। और क्या जरूरत थी चोरी करने की? मुझे बोल देते, मैं अपने पेंशन के पैसों से आपको दिलाया था मोबाइल। क्या मतलब है तुम्हारा? मैंने चोरी की? तुम्हारा मशवरा था कि मैं जाकर फोन चोरी करूं उस दुकान से। क्या मैंने कहा था? सॉरी सर, सॉरी, मैंने कहा था। सर मेरी गलती नहीं थी सर, इन्फॉर्मेशन गलत मिली थी मुझे पीछे से सर। अभी आप कहां पर हैं सर? मैं घर की तरफ जा रहा हूं, सख्त तकलीफ में हूं मैं इस वक्त। ठीक है सर, आप घर जाके आराम करें, शिकायत विकायत करें, केस की परवाह मत करें, मैं सॉल्व कर लूंगा। ठीक है ठीक है, जैसे ही कोई खबर मिले, कोई क्लू मिले, फौरन मुझे फोन करना, मैं आ जाऊंगा। ओके सर, आपके आने की जरूरत नहीं है, बस एक तस्वीर व्हाट्सएप कर दीजिएगा आप प्रेस रिलीज में लगाने के लिए। ओके। बताओ भाई, मोबाइल चोरी कर लोकेशन के लिए किडनैपर से फोन किया था, अब वो 1 करोड़ मांग रहे हैं। व्हाट डैड, 1 करोड़ रुपए? ये तो बहुत ज्यादा पैसे हैं। मेरी बेटी की जिंदगी का सवाल है। पर डैड, 1 करोड़ कैश आप इतनी जल्दी अरेंज कैसे करेंगे? तुम अमीर तो हो गए, लेकिन तुम्हारे अंदर का गरीब अभी तक जिंदा है। सुबह बैंक मैनेजर 1 करोड़ रुपया कैश देके गया, अब तुम यहां बैठे बैठे मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ अंदर जाके कॉफी भेजो। जाओ आउट। सुस्त बॉस, आपका टूथ पेस्ट क्या हो गया? टूथपेस्ट लाने में इतनी देर? पता है ना, मैं टूथपेस्ट ना करूं तो मेरे दांतों में इरिटेशन शुरू हो जाती है। बॉस वो रफी कहाँ है? वो 2 मिनट नूडल बना रहा है। तो उसे 2 आवर क्यों लग रहे हैं? ये तो वही बताएगा। यार एक मशवरा तो दो। पता है बॉस, ये जमीर तो बहुत ही बेजमीर आदमी निकला। क्यों बॉस? मुझसे उस खूबसूरत नाजुक सी लड़की को मारने का कह रहा है। क्या? फिर अब क्या करेंगे? आपने क्या कहा उसको? मैंने तो साफ मना कर दिया। क्यों? मैं क्यों उसे मारूं? लेकिन बॉस, बात तो जमीर की भी ठीक है ना? उस लड़की को सारा पता चल गया है कि इस गेम के पीछे जमीर का हाथ है। आज नहीं तो कल जमीर अंदर जाएगा, और वो अंदर गया तो हम अंदर। वो तो सब ठीक है, लेकिन इस दिल का क्या करूं? मतलब मुझे उस लड़की से थोड़ा थोड़ा लव होने लगा है। हैं? अपना दिल दे बैठा हूं उसको। बॉस वो लड़की आपकी लीग से बाहर नहीं है? क्या करूं, सारी जिंदगी किडनैपिंग्स करके तो कमाया नहीं जा सकता। सोचता हूं उससे शादी कर दूं और लाइफ में सेटल हो जाऊं। आपकी लीग से थोड़ी बाहर नहीं है? You mean she is out of my league? मगर she is quite stupid. थोड़ी बेवकूफ है। मैंने देखा है, अगर वो उस बेवकूफ लड़के के लिए इतना पैसा खर्च कर सकती है, तो मैं तो उससे कई ज्यादा खूबसूरत और हैंडसम। मेरे लिए तो वो पागल ही हो जाएगी। सोचता हूँ कब तक यूं ही किडनैपिंग्स करता रहूँगा, किसी से शादी करके लाइफ में सेटल हो जाता हूँ। तुम भी मेरे यहाँ नौकरी कर लेना, गार्ड की। छोटे से कमरे में बैठे रहना पंखा लगा के। ठीक है। पंखा कभी यहाँ जाएगा, कभी वहाँ जाएगा। ठीक ठीक है बॉस, ये आपका पूत पे रखो, मैं आगे करता हूँ। ठीक है, मैं रफीक को देखता हूँ। हाँ, क्या करूं, सोचता हूँ उससे शादी कर लूं, फिर सोचता हूँ कहीं
जल्दबाजी में गलत फैसला तो नहीं कर रहा। हो सकता है मेरे नसीब में कोई उससे भी ज्यादा प्यारी लड़की लिखी हो, लेकिन फिर सोचता हूँ कि किसी लड़की के सर पे हाथ रख देना भी सवाब का ही काम है। कहाँ लेके जाऊंगा इतनी गुड लुक्स। कहाँ रह गया, कब आएगा यार? चलो आ रहे आ रहे आ रहे। आ भाई मजा आ रहा है, गर्मी गर्मी तो नहीं लग रही? जूस भिजवाओ गन्ने का। सुनो गन है तुम्हारे पास? नहीं, क्यों? नहीं, मैं चेक कर रहा था, क्योंकि मेरे पास है। मामू के ऑफिस की तरफ छोड़ दे रही है। बहुत बस नहीं यार ये। अरे इधर नहीं मारना था, आगे मार देते इसको। उठाओ इसे। नहीं उठूंगा। आई अबे मुंगे फोन में भी कैसे कर। देखो गफ्फार को काबू करना इतना मुश्किल नहीं होगा, उसके बाद हम पुलिस को फोन करके सब कुछ बता देंगे। नहीं हम पुलिस को फोन नहीं करेंगे। शीरी मिल को ठीक कह रही है। पर क्यों? फोन भी हमारे पास है और सिग्नल्स भी आ रहे हैं। बेबी वो बात नहीं है ना। तो फिर क्या बात है? सुनो जब तक वो अंकल के साथ और हम ये रिस्क नहीं ले सकते। वो कमीना पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है, मौका मिला वो ये करेगा जरूर। तो फिर अब हम क्या करें? I have a plan. अब हमें हमें गफ्फार को काबू करना होगा। ओके गाइस नाउ इट्स टाइम फॉर एक्शन। चलो लेट्स गो। ऐसे जमशेद रबड़ी कहाँ हो तुम लोग? आप पानी पियो। है हमने मार दिया है दोनों को। क्या तुम लोगों ने जमशेद और रबड़ी को मार दिया? और क्या, अगर हम नहीं मारते तो वो हमें मार देते। वो लोग इतने शार्प शूटर थे, ये बात तो मुझे पता ही नहीं थी। खैर आई थिंक हमें बैठ के बात करनी चाहिए। लड़ाई झगड़े से कभी किसी का कोई भला नहीं हुआ। और अभी बहुत देर नहीं हुई है, यहाँ करीब से बस चलती है W11। आप लोग अभी भी अपने घर जा सकते हैं। आई कैन गिव यू अनदर चांस। बकवास बंद कर, तुम अभी इस पोजीशन में नहीं हो, क्या हमें चांस दो? और वैसे भी बाजी पलट चुकी है। कोई बात नहीं टिकटॉकर, बाजी को दोबारा सीधा कर लेंगे। बकवास बंद करो, अब तुम्हें वो करना होगा जैसा हम कहेंगे, वरना तुम्हारा भी वही हाल होगा जो तुम्हारे उन साथियों का हुआ है। कितनी प्यारी लग रही हो ऐसे बोलते हुए, तुम ऐसे ही बोलती रहो। अच्छा क्या वाकई तुम लोगों ने उन्हें मार दिया है? बताया तो है मार दिया। अच्छा इसी गन से मारा है? इस गन से। वाकई? जी आवाज नहीं आई थी। तुम क्या कहती हो टिकटॉकर लड़की? हाँ हाँ मार दिए। बगैर गोली के मारने में काफी मुश्किल हुई होगी है ना? है? खाली है? प्लस जाली है। असली की रीट तो आसमान से बातें कर रहे हैं छोकरे, इसलिए मैंने नकली ले ली थी। बट कोई बात नहीं, अब क्योंकि तुम लोगों ने इतना एक्शन इतनी ओवर एक्टिंग की ही है,
तो मैं ऐसा करता हूँ कि मैं डर जाता हूँ और समझो कि मेरे हाथ बंधे हुए हैं। लेट्स प्रिटेंड कि तुम लोगों ने मुझे काबू कर लिया है। हम लोग बैठ कर बात करते हैं। कम ऑन गाइस, आ जाओ, कहीं पर सेटल हो जाते हैं। बहुत बड़ा टेबल है। लड़की पीछे, मैंने कहा पकड़ के बैठो। हाँ ठीक है, मैं पाँव रख लेता हूँ। ऐसे तो मुझे किसी का फेस ही नजर नहीं आ रहा, लग रहा है हम कोई डेट पे आए हुए हैं। कम ऑन, सामने आ जाओ आप लोग, बैठ सामने आ जाओ, इधर आ जाओ, यहाँ आ जाओ, चलो अब यहाँ पे आ जाओ, इधर आ जाओ। अब ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि असल प्लान क्या है। मैं जानता हूँ रफीक और जमशेद जिंदा हैं। हाँ, तुम्हारी तरह दरिंदे नहीं है। दरिंदा मैं भी नहीं हूँ, वरना जमीर की बात मान लेता। कौन सी बात? तुम सबको जान से मार देने की बात। एक इंसान इतना गिर सकता है, सोच भी नहीं सकती थी। वैसे तुमने काफी गिरा हुआ इंसान चूज किया है अपने लिए, वेरी डाउन टू अर्थ। खैर, तुम लोगों ने मौका भी नहीं लिया, लेकिन खुदा की कसम, अगर मौका मिलता भी ना, मैं तुम्हें कभी हर्ट नहीं कर पाता। अरे गफार भाई, इतने सॉफ्ट हार्टेड इंसान, तो फिर इस धंधे में कैसे आए? ये एक बहुत लंबी दास्तान है। मेरी अम्मी जान कहा करती थी कि कोई भी धंधा छोटा नहीं हो, नष्ट कर जाती है। कोई भी धंधा छोटा नहीं होता, लेकिन धंधे में जब जुर्म शामिल हो जाए तो वो गंदा जरूर हो जाता है। बिल्कुल सही कहती थी। ऐसा ही कुछ हुआ मेरे साथ। मैं तो सदर बाजार में अपना जूस का स्टॉल लगाता था। दूर दूर से लोग मेरा जूस पीने आते थे। वो लाल शरबत, लाल शरबत। देयर आर मेनी फैंस लाइक हिम। हजारों लोग मेरी सदा से सदा लगाते थे। जब मैं शरबत बेचता था, बहुत रश पड़ जाता था। दूर दूर से लोग मेरा शरबत पीने आते थे। क्या दिन थे वो भी। कौन सी सजा थी, कौन सी? एक दफा प्लीज प्लीज प्लीज। ₹4, ₹4, ₹4। लाल ठंडा शरबत ₹4। सदा बहार शरबत, ठंडा ठार शरबत। आई जाओ तो पिए जाओ, आई जाओ तो पिए जाओ। लेकिन नाकदीन से और हासदीन से ये चीज बच ना सकी। रूट पार ही मेरे कंपेटिटर से जो गोले गंडे का बिजनेस करते थे, उन्होंने किसी वैगन वाले को 250-300 रुपये दिए कि मुझे एक्सीडेंट में जख्मी कर दे। देखो कितने जेलस लोग होते हैं। नेगेटिविटी पॉजिटिविटी पर हावी हो जाती है। मैं जा रहा था बर्फ की सीढ़ी लेने के लिए, रोड क्रॉस कर रहा था। उस दिन मेरा छोटू नहीं आया था। अचानक एक गाड़ी आई और उसने मुझे टक्कर मार दी। वो तो खुदा का शुक्र है कि मैं बच गया, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। सिर्फ हल्का सा मेरे एक दांत में हल्की सी चोट आई, बहुत बहुत मामूली, बहुत माइनर। एक पर? एक दांत में बहुत मामूली सी, बहुत लाइट सी। खैर उसके बाद तुम्हें तो पता है कि नेगेटिव लोग होते हैं जजमेंटल। मेरी एक मंगेतर थी, कॉलेज की टॉपर थी और साथ साथ अपने कॉलेज में उसे ब्यूटी क्वीन भी कहा जाता था। वैसे तो प्यारी थी, मगर अगर मैं उसे अपने कंपैरिजन में लिखूं तो थोड़ी एवरेज थी। तो उसने मुझे मजाक में एक बात कही, उससे मेरा दिल टूट गया। उसने कहा, एक्सीडेंट में तुम्हारा तो जबड़ा ही हिल गया है। मुझे तो इतना गुस्सा आया और मैं बहुत सैड हो गया। मैंने अपने ही शरबत में नशा और अद्वियात मिलाकर पीना शुरू कर दिया।
सारा सारा दिन अपने ही ठेले पर औंधा पड़ा रहता। लोग चार चार रुपए वाला ग्लास दो दो रुपए में पीकर जाने लगे, ग्लास टूटने लगे और आहिस्ता आहिस्ता मेरा धंधा बिल्कुल चौपट हो गया। और उसके बाद मैंने फैसला किया कि रिवेंज लेने के लिए मैं गैंगस्टर बनूंगा और यूं मैं इस धंधे में आया। हिम्मत रखे गफार भाई, हिम्मत रखे, दाना है यहाँ। सॉरी सॉरी। सब खैर गफार भाई, अब धंधे का फैसला कर लिया तो खमियाजा तो भुगतना पड़ेगा ना। सो तो है, बस जेल ही जाना रह गया था, अब वहाँ भी चले जाएंगे। अम्मा सही कहा करती थी, बुरे काम का नतीजा बुरा होता है, मगर माँ बहनों की कौन सुनता है। उस जमीन का क्या करें? बेच दो। मैंने प्लान बनाया है कि मैं भी जमीर को कॉल करूँगा और उसे यहाँ बुलाऊँगा। उसे कहूँगा कि मैंने तुम सबको मार दिया है, जैसे वो यहाँ आएगा मैं डबल क्रॉस करूँगा और पुलिस को फ़ोन करके बुला लूँगा और पुलिस आके जमीर को पकड़ लेगी, तुम लोग भी बच जाओगे और हो सकता है पुलिस की मदद करने की वजह से मेरी भी सज़ा माफ़ हो जाए। गुड प्लान। चलो मैं उसे फोन करके आता हूँ। Meanwhile, you guys can chill in my den. Come on, guys, have fun. गफार भाई, गफार भाई, come in. वो आवाज क्या थी? एक दफा फिर. Please. Can't be glass. My man, Minor जबड़ा. कितने stressful games बनाते हैं ये लोग. हेलो, लड़की का क्या हुआ? कहाँ है वो? कौन लड़की? Which girl are you talking about, Mister? मैं शीरी की बात कर रहा हूँ। ओह, शीरी। शीरी तो थी, अब नहीं रही बेचारी। मार डाला मैंने उसे। मार डाला? अपनी किलर लुक से। और बाकी सबका क्या हुआ? अरे जितने पैसे तुम दे रहे हो ना, उसमें मैं 40 को गाड़ सकता हूँ। सबको मार डाला, सबकी कब्रें खुद खोदी हैं। चाहो तो आकर देख लो, हो कहाँ तुम? पापा को फोन कर दो तुम, हम थोड़ी देर में पैसे लेकर आ रहे हैं। पापा को फोन कर दो, मामा को फोन कर दो, पूरा दिन मैं यहाँ तुम्हारी सेक्रेटरी की तरह लोगों को फोन ही करता रहूँ। कर रहा हूँ फोन, और याद रखना इन फोन कॉलों के पैसे अलग लूंगा। 98 में ना PCO पे इतनी कॉल हुआ करती थी जितनी तुमने मुझसे करवा ली हैं। इसको फोन, उसको फोन, और कोई चाचा मामी ताई रिश्तेदार है उसको भी फोन करके कह दूं कि तुम खैरियत से हो। हाय, मैंने जमीर को कॉल कर दी। थैंक यू सो मच। ये तो मेरा फर्ज था। खैर, मैं काफ़ी देर से आपसे बात करना चाह रहा था, अब आप यहाँ खड़ी हैं, मौका अच्छा है तो बात कर लेता हूँ। बोले। देखिए, मैं जानता हूँ कि आपका हार्ट ब्रेक हुआ है, जमीर ने आपको धोखा दिया है और इस वक्त आपको एक शोल्डर टू क्राई ऑन की बहुत ज़रूरत है। और मैं ये भी देख रहा हूँ कि आपका रुझान और ध्यान फरहाद की तरफ बहुत ज़्यादा है। नहीं, आपको नहीं, नहीं, इट्स ओके, आई नो, दुनिया देखी है मैंने, ही इज़ अ गुड बॉय। और साथ साथ मुझे ये भी पता है कि आप कहीं ना कहीं दो कश्तियों पर सवार हैं, यू ऑल्सो लाइक मी। और क्यों ना हो, गुड लुक्स की वजह से किसी का भी दिल आ सकता है। बट आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू दैट, हाँ, एक पॉइंट था जहाँ मुझे लगा कि मैं आपके साथ अपना घर बसा सकता हूँ, हम शादी कर सकते हैं, सेटल हो सकते हैं, मगर आई एम सॉरी, आई डोंट लव यू। और जिस रिश्ते में प्यार ना हो वो शादियाँ चला नहीं करती।
बिल्कुल ठीक बात है। तो आई नो फरहाद बहुत अच्छा लड़का है, लुक्स में मेरे मुकाबले में थोड़ा कम है, लेकिन आप गुजारा कर लेंगी, है ना? कोशिश करूंगी। कोशिश कीजिएगा। चलें, यू कैरी ऑन विद योर लाइफ। सुनिए, थैंक यू फॉर चूजिंग मी फॉर दिस ब्रीफ फाइट। प्लेजर इज ऑल माइन। ज्यादा तंग तो नहीं कर रहा था वो? नहीं, ये है कौन? ये एक चौकीदार था, चौकीदारी तो करता नहीं था, बस खाना खाता रहता था और बोलता बहुत था, तो रबड़ी ने इसके होंठों पे ग्लू लगा दी और इसके हाथ बांध दिए। खाना ही तो खाता था, बांध क्यों दिया आपने? खाना ही तो नहीं था तो बोलता बहुत था। खैर, आप खोल दीजिए, कोई मसला नहीं है। ही इज हार्मफुल, देखने में बहुत डेंजरस लगता है, मगर है नहीं। हार्मफुल या हार्मलेस? हार्मलेस। इधर आ, इधर आ, इधर आ। जी सर। हाँ भाई लड़के। जी। हाँ, कहाँ रहते हो? मैं ये पीछे गली में। अच्छा अच्छा, वैसे कहाँ से हो? मुल्तान। कराची में क्या कर रहे हो? पढ़ने आया हूँ। क्यों, वहाँ पढ़ाई नहीं होती? नहीं होती है, लेकिन यहाँ ज्यादा अच्छी होती है। अच्छा, अच्छी पढ़ाई के चक्कर में आओ? जी जी। सब पता है, मैं मोबाइल पे लड़कियों से दोस्ती करने के चक्कर में आया हूँ, माँ बाप से छुपकर ऐसी जिंदगी गुजारने आया हूँ? नहीं सर। फोन निकालो अपना। आप तो मुझे मोबाइल छीनने वाले लग रहे हैं। दिमाग ठीक है तुम्हारा? यूनिफॉर्म पहन के मोबाइल छीनेंगे? आजकल हो रही है ना ऐसे। अरे शर्म करो यार, सिम निकालो उसमें जल्दी से। लेकिन पिन पिन नहीं है मेरे पास। ओहो, महंगा वाला फोन। एक काम करो, ये नंबर डायल करो, देखो। जी बताएं। देखो, अंधे हो क्या? बताएं। ये ले। हाँ ला, बस सही है, ठीक है ठीक है। ये ला। हेलो। अगर अपनी बेटी की जिंदगी की अमान चाहते हो तो 1 करोड़ रुपए बताई हुई जगह पर लेकर पहुंच जाओ। हाँ, लोकेशन सेंड कर रहा हूँ, सेंड कर रहा हूँ। ओके। सर, आप तो मुझे किडनैपर लग रहे हैं। अरे भाई, मजाक कर रहा था, ये देख लो यूनिफॉर्म, एक्टिंग कर रहा था, असल में ऑडिशन रिकॉर्ड करके भेज रहा था, शुएब मंसूर साहब का नंबर है। शुएब मंसूर? हाँ, लेकिन अभी कॉल नहीं करना, 1 हफ्ते के लिए दुबई जा रहे हैं, ठीक है? वापस आ जाए तो फिर उनसे बात कर लेना। ठीक है ठीक है ठीक है। वैसे मुल्तान से हो ना बेटा? जी जी। वहाँ की एक डांसर बड़ी अच्छी थी मेरी दोस्त थी, क्या नाम था उसका? शेब मलिक जैसा, माहा मलिक नाम था उसका। हाँ, वो बहुत फेमस है। हाँ, बहुत अच्छी दोस्त है मेरी। आपके पास नंबर है उसका? हाँ, लिखो जी। 15, इस पे डायल करना है, वो बात करा देंगे तुम्हारे। नहीं सही है। अरे कर लो कर लो, कोई ऐसी बात नहीं है। नहीं नहीं ठीक है सर। चलो फिर निकलो निकलो, सीधा निकलो। शुक्रिया सर। हाँ ओके ओके। हाँ सितारा, किधर हो भाई? यहाँ छत पे खड़ा करके चली गई मुझे, कमाल करती है। अबे जाना, जाकर बात कर उससे। कब से अकेली खड़ी है वो, दोपहर से रात हो गई, अब क्या सर्दियां आने का इंतजार कर रहा है? जाकर बात कर उससे। कितने शर्मीले हो तुम, अपने दोस्त से ही कुछ सीख लो। हाँ पर यार, अगर वो माइंड कर जाए तो? तो तूने कौन सा कोई इसकी टांग से टांग अड़ा करके रहना है उसे जो वो माइंड कर जाएगी? बात ही तो करनी है, जाके कर ले। जाओ जाओ मेरे शेर, मर्द बन जाओ यार। तुम दोनों वाकई मेरे खैर खाओ या बस मुझे भगाना चाहते हो यहां से? दोनों बातें सी, जा मत जाओ। ये कम ऑन, जब यहाँ से जाएंगे ना तो मैं कोई ढंग की नौकरी ढूंढ लूंगा। मैं टिकटॉक। टिकटॉक? मेरा मतलब है कि मैं टिकटॉक पे अच्छे अच्छे खाने बनाना सीखूंगी और तुम्हें बना के खिलाऊंगी। तो तुम लड़की हो, इसका यह मतलब थोड़ी कि तुम सिर्फ खाने बनाओगी, जॉब भी कर सकते हो तुम।
हाँ ये आइडिया भी बुरा नहीं है, बल्कि हम दोनों मिलके कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। वेरी गुड, फिर बाद में हमने शादी भी तो करनी है ना। शादी? और तुमसे? तो और क्या, उस गफार से करोगी? वैसे आइडिया बुरा नहीं है, बस थोड़ा सा ब्यूटी कॉन्शियस है। नहीं नहीं, तुम्हारी शादी नहीं हो सकती उससे। क्यों? बिल्कुल सगी बहन लग रही हो उसकी तुम। ठीक कह रहे हो। क्या बातें कर रहे होंगे वो वहां पे? तुम उनको छोड़ो ना, बेचारे का पार का तो दिल ही टूट जाएगा। तुम यहां क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, मैं सोच रही थी समीर के बारे में। उसका नाम भी नहीं सुनना चाहती मैं। वैसे यहां से तो हम कुछ देर में निकल ही जाएंगे, उसके बाद क्या करेंगे? क्या करेंगे क्या मतलब? हम सब अपनी जिंदगियों में मसरूफ हो जाएंगे, और क्या करेंगे? हाँ, मैं तो नौकरी की तलाश में निकल जाऊंगा, और तुम अपने दूल्हे की तलाश में। जरूरी तो नहीं है, क्या पता मैं तलाश कर चुकी हूँ। वो शिरीम, तुमसे ना मैंने तुमको जब से देखा था तो मैं यही सोचने लगा था कि कुछ है हमारे बीच, और वो तुमने खुद कह दिया। लेकिन मैं खुद कहूँगा शिरी, मैं खुद कहूँगा कि शिरी वो ना मैं कहना चाहता था कि शिरी आई लव यू। बताई हुई जगह पे पहुंच गए हो? हाँ, जो जगह तुमने बताई वहीं आ गए। पैसे कितने लाए हो? 1 करोड़। ठीक है, अब आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए आ गया हो। हाँ, ये निशान नजर आ रहा होगा, हाँ इस निशान पर बैग को फेंक दो। अब पीछे मुड़ो और आहिस्ता आहिस्ता दबे कदमों से गाड़ी की तरफ जाना शुरू करो, और खबरदार जो पीछे मुड़ के देखा तो। डैड कोई परेशानी? नहीं नहीं नहीं। Sure डैड? Sure sure। हेलो। हाँ हाँ, पीछे मुड़ के देखो, बैग नजर आ रहा है। हाँ हाँ, अभी तो फेंक के गया हूँ। बैग उठा लो। नहीं नहीं नहीं, हमें पैसे नहीं चाहिए, हमें सिर्फ चेक करना था कि इस बैग में पैसे हैं या नहीं। पैसे अंदर ही दिए जाएंगे, उल्टे हाथ पे बिल्डिंग देख रहे हो? हाँ देख रही है। उस तरफ चले जाओ। अच्छा
तुम्हारी हॉबीज क्या है फरहाद? फिलहाल तो नौकरी तलाश करना, बट आई होप कि हम दोबारा मिलेंगे। मैं डैड से मिलवाऊंगी तुम्हें, तुम देखना इंशाल्लाह नौकरी मिल जाएगी। अच्छी तुम ठीक हो ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? तुम्हारे सामने हो। I missed you, पापा। Oh, thank you, thank you। ये मनुज है जिसने तुम्हें किडनैप किया था? नहीं पापा, ये वो नहीं है, ये तो बहुत अच्छे इंसान है। अच्छा, नाइस मीटिंग यू। अच्छा ये फरहाद है, वो जिब्रान, और ये चरल, ये वही लोग हैं जिन्होंने मुझे रेस्क्यू किया था जब मैं किडनैप हुई थी। बेटा मैं आप लोगों का शुक्रिया किस तरह से अदा करूँ? थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। वो कमीना कौन है जिसने तुम्हें किडनैप किया था? एक मिनट अमान साहब, कहानी मैंने सुनी इस बात की है, ये है वो किडनैपर जिसने आपको एक दुख किडनैप किया। हमारी ऐसी किस ऐसी हमारी जन्नत कैसे हुई? आइंदा तुम मुझे नजर आए तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। आइंदा का क्या इंतजार करना, अभी सामने अभी मार दे। नहीं मेरा मतलब है कि आप खा लोगे तो अपने हाथ में लेंगे, ऑलरेडी हमारे हाथ में है ना। ठीक है। क्या कह रहा था फुटे, जान लेगा हलवा है क्या? अब गन है मेरे हाथ में, नाउ आई एम इन द गेम। सब लोग अपने अपने हथियार फेंक दो, अमीर आदमी की जान खतरे में, ऐसे कुछ नहीं होना चाहिए। अपना जानू, जो गन तुम्हारे हाथ में है ना गुप्लू, वो मेरी है, इसमें अमूमन गोलियां नहीं होती और आज भी नहीं है। साले ओवर एक्टिंग की दुकान, एक तो नकली गन ऊपर से इतना पसीने हो गए, और सीधा इधर आ, इधर आ, इधर आ, ले जाओ इसको, ले जाओ इसको पकड़ के बाहर ले जाओ इसको। देख लूंगा मैं तुम सबको। हां हां बाद में देखना, चलो देखो, ले जाओ मारा। वैसे अमान साहब आप काफी लकी आदमी है, बहुत कम लोग होते हैं जिनकी तावान की रकम वापस आती है, यकीनन आपकी अकल हाल की कमाई होगी। अरे ये क्या रिस्क फेंक दिया? अरे भाई ये रिस्क नहीं है, ये नकली नोट है। मेरे दोस्त आईजी ने मुझे बताया था कि जिंदगी में कभी इस तरह को मसला हो तो असली नोट कभी लेके नहीं जाने। ओ शिट, इतना बड़ा नुकसान हो गया है? आपका नुकसान कैसे हो गया? वो असल में कागज चला चला इन जगह का, ये छुपाई जा गई, इससे सस्ती नोट छाप देते बताइए। बात तो सही है, वो दो नमूने कहाँ आए, अभी तक नहीं आए। कहानी बदल गई है बॉस, अब गेम हमारे हाथ में है। काफी लेट हो गए तुम लोग, बहुत पुलिस आई भी है, ये नमूने भी पुलिस वाले ही हैं। ये नमूने कौन है भाई, एक एक चमक लगा के पकड़ो दोनों को। पता नहीं कौन है। वैसे गफार बेटा, अब तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने जिस तरह पुलिस की हेल्प की है, मैं निशान इम्तियाज के तुम्हारी सिफारिश करूंगा। जरूर। भाई शुतुरमुर्ग पकड़ने वाले को अवार्ड मिल रहे, तुमने तो मुर्गियां पकड़ी है भाई, मेरा मतलब है लड़कियां पकड़ी है, लड़कियां बचाई है। थैंक यू। ठीक, ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। हाँ बेटा चले, चलते हैं पापा, लेकिन उससे पहले आप फरहाद से मिले। थैंक यू बेटा, आपने मेरी बेटी की जान बचाई। पापा ये बहुत अच्छे इंसान है। हाँ तो बेटा मैंने थैंक यू कह दिया ना। पापा ओ क्या करते हो बेटा? बस सर आजकल तो बस नौकरी की तलाश है। तो मैं ऐसे करूँ, कल मेरे ऑफिस आइए ना, तुम्हारी तो नौकरी हो जाएगी। थैंक यू सर। तो फिर चलें? आप जाएं, मैं बस दो मिनट में आती हूँ। अच्छा मैं तुम्हारा वेट करूँ, ठीक है? थैंक यू जी, बाय। कहा था ना पापा से मिलोगे नौकरी मिल जाएगी तुम्हें। थैंक यू सो मच। नो प्रॉब्लम। देखा देखा था ना, मेरे साथ रहेगा तो ऐश करेगा, नौकरी भी लग गई, छोकरी मेरा मतलब लड़की भी मिल गई। देखो तुम लोग मुझे भूल मत जाना, मेरे अड्डे पे हुआ है सब कुछ। ओके जी, मगर अब तुमसे पता नहीं कब मुलाकात होगी। क्या मतलब कब मुलाकात होगी? बहुत जल्द मुलाकात होगी। हाँ लेकिन उसके लिए कांटेक्ट में रहना पड़ेगा ना। तो हम रहेंगे कांटेक्ट में फरहाद। हाँ लेकिन नंबर चाहिए होगा ना।
मैं नंबर तुम्हें दे रही थी, अब मैं वेट करना चाहती हूँ। ओ गफ्फार, तुम एक बार फिर तन्हा रह गए। Lonely, I am so lonely. I have my body for my own. निहाओ, सारे नौटंकी वाले जा चुके हैं। मैं नौटंकी वाला नहीं हूं। कौन हो तुम मैं अजनबी? अबे दत्तू, तूने पहचाना नहीं अपने दोस्त बशीर जामुन को? अरे जामुन, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। जामुन तो बहुत पक चुका, शदीद पक गया जामुन। कहाँ गए थे तुम इतना अरसा? मैं चाइना चला गया था। चाइना जाके एक बिजनेस शुरू करा, चोरी के मोबाइलों का। वाओ, पैसा कमाया, गाड़ी बनाई, घर बनाया, इज्जत नहीं बनाई। वहां भी नहीं बनाई? नहीं, फिर इज्जत कमाने का सोचा तो अपना मुल्क याद आया, बस यहाँ आ गया इज्जत कमाने। मैंने कहा एक बिजनेस भी है। तुम्हारा पूछा तो पता लगा कि तुम यहाँ कस्मा पुरस की जिंदगी गुजार रहे हो। ये तो है। खैर, क्या बिजनेस कर रहे हो? बकरों का बिजनेस पाकिस्तान में, वो भी ईद कुर्बान से पहले। कितने तक का बकरा मिल जाता है वैसे पाकिस्तान में? बकरे का तो ये है कि अगर अच्छी नस्ल का हो और तगड़ा हो तो 1.5 से 1.5 लाख का, लेकिन अगर थोड़ा कमज़ोर, बेरोजगार, बेयारो मददगार, लाचार और भूखा टाइप हो तो 25 से 45 का। और बस अगर उसी बकरे में हेरोइन भर दे तो हो जाएगा 1 करोड़ का। अरे गार्ड, तुम 1 करोड़ का बकरा हीरोइन भर के? 1 करोड़? बकरा 1 करोड़ का? अबे इस लड़की का क्या करना है? कि तो सीधा सीधा हुआ केस है यार, मरवरा गई तो क्या होगा? सर मुझे सिंधी नहीं आती सर, इन्फॉर्मर सिंधी निकला। कहाँ चलते हैं? मेरे मामू के ऑफिस खाली है ना? क्या मतलब है खाली है? वो 2 और तुम 3 फिर भी वापस आ गए, वो भी खाली हाथ। और मामा, आपने बचपन में बिल्कुल सही बताया था, दांतों के बीच में जो गैप होता है ना जी, इसकी वजह से बहुत पैसा आता है। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि गफ्फार का अगला कदम कौन सा होगा। आई एम एक्सपर्ट इन एक्सटॉर्शन, मर्डर, विमेन सप्लाई एंड ह्यूमन ऑर्गन्स नीड्स। हमारे यहाँ ड्रग्स का काम भी तसल्ली बख्श किया जाता है। अगर वहाँ पे लोगों को पता चल जाता कि आप पुलिस वाले होकर चोरी कर रहे हैं, क्या इज्जत रह जाती? और आपकी इज्जत छोड़े सर, डिपार्टमेंट की क्या इज्जत रह जाती? हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ जाती, आईजी साहब को इस्तीफा देना पड़ जाता। हमने मार दिया है दोनों को। क्या तुम लोगों ने जमशेदपुर रबड़ी को मार दिया? अच्छा अच्छा, वैसे कहाँ से हो? मुल्तान। कराची में क्या कर रहे हो? पढ़ने आया हूँ। क्यों, वहाँ पढ़ाई नहीं होती? जिस रिश्ते में प्यार ना हो वो शादियाँ चला नहीं करती। अपना जानू, जो गन तुम्हारे हाथ में है ना गुप्लू, वो मेरी है। इसमें अमूमन गोलियां नहीं होती और आज भी नहीं है।